ये देखिए फ्रेंड, मैंने शाही टोस्ट बनाने की तैयारी की है। हम पहले डीप फ्राई करते थे देसी घी में, अभी मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ इनको। हल्का सा देसी घी मैंने उस तरफ लगाया था और अभी थोड़ा सा और इसमें देसी घी लगा के इसको वापस से और 1 मिनट के लिए इसको टोस्ट करूँगी, जिससे बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, ब्राउन हो जाए, कुरकुरी हो जाए। तो अभी मैं देसी घी लगा के फिर से इसको वापस से बंद करूंगी। ये ग्रिल टोस्टर है फ्रेंड्स, जो सैंडविच मेकर होता है वही है। और ये खोया वो है जब घी बनाते हैं तो घी बनाने के बाद जो नीचे तली में बैठ जाता है वो एक्चुअली खोया ही बनता है। तो उसमें थोड़ा सा, मैंने एक्चुअली परसों बनाया था, ये फ्रिज में रख दिया था। इसका टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए मैंने थोड़ा दूध के साथ इसको पकाया है, थोड़ी सी शुगर डाली है और ड्राई फ्रूट्स इसमें चॉप करके डाल दिए हैं। अभी मेरे पास ये केवड़ा वाटर है, मैं इसको इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। मैंने इलायची का फ्लेवर नहीं दिया क्योंकि वो बहुत टिपिकल सा एक फ्लेवर हो जाता है। मैं केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। चाशनी मैंने इस तरफ बना के रख ली है। चाशनी की कंसिस्टेंसी नॉर्मल ही है, एक तार की नहीं है, उससे पहले ही मैंने गैस ऑफ कर दी थी। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये टोस्ट तैयार है, अभी हम इसको असेंबल करेंगे। ये जो हमने चाशनी बनाई थी थोड़ी थोड़ी सी ऊपर डालेंगे इस तरह से। रबड़ी जो बनाई थी हमने वो लगाएंगे। अभी हम इस पे पिस्ते डेकोरेट करेंगे थोड़े से। ये मैंने पिस्ते डाल दिए हैं इस पे, और ये मेरे पास सिल्वर जो हमारा लीव्स होती है वो है, तो थोड़ी सी मैं ये भी डेकोरेट कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि शाही टोस्ट है तो कुछ शाही तो होना चाहिए ना। ये लीजिए, तैयार है हमारे शाही टोस्ट। कुछ मैं इस तरह से बना रही हूँ इसको, चाशनी में थोड़ा डिप करके। मैंने चाशनी थोड़ी गरम करके पतली की है। इस तरह से लगा दिया मैं इस पे। ये नारियल का जो पाउडर आता है, डेसिकेटेड कोकोनट, वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ।